हेलो बच्चों, हम लोग आज सेमीकंडक्टर का ये पार्ट कवर करेंगे, पीएन जंक्शन है ना। पिछले जो वीडियोस थे सेमीकंडक्टर के, उसमें मैंने बच्चों आप लोगों को पढ़ाया था पीएन जंक्शन के एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक के बारे में, पी टाइप एन टाइप क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाया था लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी के सारे लाइन्स को हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। पी टाइप फॉर्मेशन कैसे होता है, पी टाइप फॉर्मेशन होने पर उसमें अंदर क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में बताया है। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए बच्चों, आप लोग उसको वॉच कीजिए, आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो में पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, देखिए, अ पीएन जंक्शन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एक्सेट्रा। A clear understanding of the junction behavior is important to analyze the working of other semiconductors. मतलब यहाँ पे पीएन जंक्शन के बारे में बता रहे हैं कि पीएन जंक्शन जो है, जो जितने भी ट्रांजिस्टर्स डायोड्स बनते हैं उनका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। और मतलब पीएन जंक्शन का जो पूरा कंप्लीट बिहेवियर है, जो सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर है, वो समझने के लिए आपको पीएन जंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। तो पीएन जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ यहाँ पर फिर से। देखिए वैसे जैसे पी टाइप है, तो आप पी टाइप में, आपको मैंने बताया था कि पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स मूव करता है। और एन टाइप के अंदर क्या होता है, तो एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में करंट होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो होल्स का मूवमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, एंड ये रियल चार्ज नहीं होता, इमेजिनरी चार्ज होता है, क्योंकि होल्स एक्चुअली में मूव नहीं करता है। तो जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, मान लीजिए होल मूव किया, तो इस होल की वजह से भी करंट इधर होगा। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से करंट क्या मिला, एक ही डायरेक्शन में। तो सोचिए, जब आप एक सिंगल यहाँ पर पी टाइप या एन टाइप यूज़ कर रहे थे तो आपको सिर्फ एक ही करंट मिल रहा था, जब दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो करंट ज़्यादा मिलेगा आपको, दोनों की वजह से मिलेगा। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पढ़ा गया, बताया गया कि आप दोनों को कंबाइन करके देखिए, जिसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन, ओके। सो क्यों कंबाइन करना है समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। ज़्यादा करंट के लिए हम लोग कंबाइन करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ पर मिले। देखिए, कंसीडर अ थिन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेफर बाय एडिंग प्रिसाइजली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अ पार्ट ऑफ पी टाइप सिलिकॉन वेफर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप। मतलब ये हुआ कि जो पी टाइप है ना, उस पी टाइप में थोड़ा सा आप पेंटावेलेंट मिक्स कर दीजिए, तो अगर आप पेंटावेलेंट मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा कि पेंटावेलेंट मिक्स करने का मतलब कि आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स देने का मतलब हुआ कि अब वो पी टाइप से एन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देर आर सेवरल प्रोसेसेस बाय विच अ सेमीकंडक्टर कैन बी फॉर्म्ड। द वेफर नाउ कंटेन्स पी रीजन एंड एन रीजन। द वेफर क्या, देखो जो ये जो वेफर होता है ना, ये होता है क्या एक्चुअली में, तो एक पी टाइप को और एक एन टाइप को, टाइप के बीच में ये जो होता है ना, जो ज्वाइन करने के लिए जंक्शन बनता है, उसी को बोलते हैं वेफर, ओके। तो वेफर नाउ कंटेन्स पी टाइप, पी रीजन एंड एन रीजन एंड अ मेटलर्जिकल जंक्शन बिटवीन पी एंड पी एंड एन। ये मेटलर्जिकल जंक्शन है, मेटल चाहिए वहाँ पे ताकि हम चार्ज का फ्लो करा सकें। टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। ये देखिए, जो भी मैं यहाँ पर लाइन्स लिखा है ना, ये लाइंस में पढ़ के बताऊंगा और आपको पूरा डायग्राम बना के बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा। टू इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पहला क्या प्रोसेस है, डिफ्यूजन, दूसरा ड्रिफ्ट। वी नो दैट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर compared to concentration of holes. Similarly, in p-type,
सेमीकंडक्टर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इज मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पी एन जंक्शन एंड ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट अक्रॉस पी एन एन साइड्स. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, जब पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा देन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी एंड एन साइड्स, क्योंकि पी टाइप में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा. होल्स डिफ्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. ये जो होल्स हैं वो पी से, क्योंकि मेजोरिटी कहाँ होता है होल्स का, पी साइड में, तो वो कहाँ जाएंगे, पी से एन में. और इलेक्ट्रॉन्स का मेजोरिटी कहाँ होता है, एन में, तो वो कहाँ जाएंगे, एन से पी. तो इसको बोलते हैं हम डिफ्यूज़ होना. ठीक है, कि वो डिफ्यूज़ हो रहा है. डिफ्यूज़ करने का मतलब हुआ कि थर्मल स्पीड से मूव करना. ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल्स लेकर अभी समझाऊंगा, अभी सारा स्टेटमेंट्स एक बार कवर कर लें. दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट. ये जो डिफ्यूज होने की वजह से जो यहाँ पर करंट मिलता है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट, है ना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट. ठीक है, आप देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी इट लीव्स बिहाइंड एन आयोनाइज्ड डोनर ऑन पी साइड. ओके, सो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ मैं डायग्राम के थ्रू कि है क्या, आप समझिए पूरा एकदम डिटेल में, एकदम जबरदस्त तरीके से समझिए आप इसको. आपके पास एक ना ऐसा जंक्शन है, आपके पास एक ऐसा जंक्शन है और इस जंक्शन में, यहाँ देखिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ. मैंने बोल दिया ये पी टाइप है और ये एन टाइप है. ओके, तो पी टाइप एन टाइप. अब पी टाइप में क्या होता है बच्चों, देखिए मैं आपको पहले भी समझाया था एक चीज़ पॉइंट यहाँ पर, और फिर से आपको बता रहा हूँ ना, जरूर इसको याद कीजिएगा, समझिएगा कि हम चाहे पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट कुछ भी मिक्स करें इंक्लूडिंग सिलिकॉन, ये पूरा एन टाइप और पूरा पी टाइप क्या होता है, न्यूट्रल होता है. क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, तो वो न्यूट्रल रहेगा. ठीक है, तो जब हम ट्राईवेलेंट मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, होल्स मिलता है. तो ट्राईवेलेंट में होल्स मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर ट्राईवेलेंट में होल्स मिलेगा. ओके, देखिए मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ. ओके, ये होल्स बना रहा हूँ इसके ऊपर कि होल्स यहाँ पर हैं. ये नेगेटिव जो अंदर में दिख रहा है आपको, ये ट्राईवेलेंट है और अभी ये न्यूट्रल है. एट प्रेजेंट ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नेगेटिव यहाँ पे है उतना ही होल्स पॉजिटिव देगा, तो अभी एट प्रेजेंट ये न्यूट्रल है. तो ये जस्ट मान लीजिए कि बिफोर ज्वाइनिंग है, मतलब इनको ज्वाइन करने से पहले, मतलब पी और एन को एक साथ जोड़ने से पहले का कंडीशन ऐसा है जो मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ. ओके, जो मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ वो कंडीशन है. और इधर में ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस, तो ये डोनर हो गया. एन टाइप में क्या होता है, डोनर होता है, डोनर आइटम्स. यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्टर आइटम्स. ओके, तो देखिए ओके, सो यहाँ पर इस टाइप का पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे आप पी टाइप को लेके आए और इससे जाके चिपका दिए एन टाइप से, ठीक है, तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जंप करेगा और होल्स इधर जाएंगे. अब एक्चुअली में होल्स जाता नहीं है इधर, ठीक है, बट हम जस्ट बोलते हैं कि होल्स जा रहा है. अब इसको समझने के लिए सबसे आपको बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है. जैसे मान लीजिए एक रूम में अगर है ना, यहाँ पे एक रूम है, इस रूम में आपने 100 लोगों को बंद कर दिया. रूम काफ़ी छोटा है, ठीक, और उसी के सामने एक दूसरा रूम है जो बिल्कुल खाली है, ठीक, और इसका गेट ओपन है और इसका गेट बंद है,
इसका गेट पूरा बंद है जिसमें 100 है। तो अब क्या हुआ, आपने पूरे दिन इसमें छोड़ दिया इनको, और छोड़ने के बाद क्या हुआ, इवनिंग में आपने बोला चलो ठीक है भाई दोनों गेट, दोनों रूम को हम ज्वाइन कर देते हैं, दोनों रूम को जोड़ देते हैं, गेट दोनों साइड का ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से लोग एकदम तेज़ी में भाग के इधर आएंगे, इधर से इधर भाग के आएंगे। तो इधर जो खाली जगह था ना वो सब क्या हुआ, होल्स, मान लो इतना सारा चेयर खाली था तो होल्स, तो इन चेयर्स पर कौन बैठेंगे, इधर से लोग आके बैठ जाएंगे। तो अब क्या हुआ, इधर के कुछ चेयर खाली हो गए, ठीक है। बट ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग कम थे, यहाँ पर लोग ज़्यादा थे। अगर यहाँ पर भी 100 होता तो क्या इधर से लोग इधर आते, तब नहीं आते, ठीक है। तो यही तो हुआ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कि जब यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, यहाँ पर लोग कम हैं तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पर लोग आएगा, ठीक है। तो चेयर थोड़ी ना मूव कर गया, वहाँ पर चेयर तो मूव नहीं कर गया, चेयर तो यही है, लोग आके बैठ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर चेयर क्या हुआ, एक चेयर खाली हो गया, तो जो यहाँ होल था वो फिल हुआ, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको ऐसा बोल सकते कि यहाँ का चेयर वहाँ पहुँच गया, क्योंकि चेयर ही तो है, बट जाता एक्चुअली में नहीं है, ओके। सो अब समझिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आप पी टाइप को एन टाइप के साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि उनको क्या दिखेगा, अरे इधर तो पूरा खाली है, सारे एकदम जगह खाली है, होल्स हैं, चलो भैया इस पर जंप मारते हैं, हमको चलो भैया हम जंप मारते हैं इस पर। तो इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पर आ जाएंगे। अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं ऐसे है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर स्पेस खाली हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर स्पेस कैसे खाली होगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब वहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब हट जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अब होल के अंदर चला गया, डिफ्यूज़ हो गया, चला गया यहाँ पर, यहाँ से अब ये होल्स। तो अब क्या हुआ कि ये जो है ना पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो गया, बाउंड्री अब इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अभी तक तो ये न्यूट्रल था, अब जैसे ही ये कंबाइंड होकर के इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। आया समझ में आपको, मान लीजिए कोई बॉडी अपने अपने पास है, और मैं बोलूँ कि उस बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, मैंने बोला ठीक है चलो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन बचेगा, तो अब तो इस पर ओवरऑल चार्ज क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया या फिर पॉजिटिव आयन बन गया, पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा कि जब इधर से चला गया इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बन गया, ये जो पेंटावेलेंट था वो बन गया पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव इमोबाइल। बट ये जो है ना इमोबाइल है, मतलब ये मूव नहीं करेगा, ये जो आयन से मूव नहीं करेंगे, यहाँ जो नेगेटिव आयन से वो मूव नहीं करेंगे, ट्राईवेलेंट का है ये, ठीक है, ये फिक्स रहेंगे। बट ये मूव करके, ये मूव करके, ये मूव करके, ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा नेक्स्ट में, ये रुकेगा नहीं, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना स्लो दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या होगा कि इधर से अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके इधर करके इधर करके, तो क्या हुआ, अब यही बाउंड्री अब इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखिए, तो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स बढ़, सॉरी इमोबाइल जो चार्ज हैं, जो इमोबाइल आयन्स हैं, वो तो बढ़ते गया। तो अगर इमोबाइल आयन्स बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा उसका, वो भी बढ़ते जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चों ना, आप समझिए इसको, कि इलेक्ट्रॉन का ये मूव करना, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूज़न, मतलब डिफ्यूज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे डिफ्यूज़ होगा, अब नेक्स्ट लाइन यहाँ खिसक जाएगा, तो क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ गया ये। तो अब जब आप एक चीज़ देखिए कि जब फर्स्ट लाइन खिसका होगा, जब फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया होगा, यहाँ से यहाँ गया होगा, तो यहाँ पॉजिटिव आयन बना, पॉजिटिव आयन बना, इधर नेगेटिव आयन बना, नेगेटिव आयन बना, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा कि इधर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन्स की तरफ हो जा रहा होगा, ठीक है। बट साथ में आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही नहीं होता है एन टाइप में, एन टाइप में कुछ माइनॉरिटी भी होता है इलेक्ट्रॉन्स होल्स, और पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं माइनॉरिटी, क्योंकि पी टाइप में होल्स क्या है मेजॉरिटी में, बट कुछ माइनॉरिटी भी तो होंगे, टेम्परेचर की वजह से ब्रेक तो होगा बॉन्ड। और एन टाइप में कुछ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, कुछ होल्स भी होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर क्या होगा बॉन्ड ब्रेक होने से आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इमोबाइल चार्ज बना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
है ना। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, मैं आपको एक और डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर, मैंने बोला ठीक है मेरे पास ये जंक्शन है और इस जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने ऐसे दिखा दिया कि ठीक है मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आना चाह रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहाँ लगेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा? फील्ड के अपोजिट, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रॉन इधर होगा उसको तो ये फील्ड क्या करेगा, ये फील्ड होगा इसी रीजन के अंदर, ठीक है। बट हम क्या बोलेंगे कि अब ये फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगेगा ना वो फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो फील्ड कहाँ है और देखिए फोर्स कहाँ लगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनॉरिटी की वजह से है और ये किसकी वजह से है, मेजॉरिटी की वजह से है। मतलब आप ये बोलेंगे कि इधर से जो होल्स जा रहे थे ना उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगा कर रोक दिया उसको, और इधर से जो माइनॉरिटी होल्स जा रहे थे उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लग गया, जिसकी वजह से होल्स माइनॉरिटी वाले मूव कर गए। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हुआ है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुआ है ड्यू टू डिफ्यूज़न, है ना, डिफ्यूज़न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से यहाँ पे आयंस बने और उन आयंस की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, तो मेजॉरिटी को अपोज कर रहा है। देखो मेजॉरिटी को अपोज कर रहा है ना, इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, इस मेजॉरिटी होल्स पर इधर फोर्स लगा रहा है, बट माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जैसे कि एन टाइप में माइनॉरिटी है होल्स, ठीक है, तो होल्स को सपोर्ट कर रहा है, और पी टाइप में यहाँ पर माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स तो उसको भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जंक्शन के अंदर उसको बोलेंगे हम लोग कि ये माइनॉरिटी को सपोर्ट करेगा, मेजॉरिटी को अपोज करेगा, ठीक। अब ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा स्पेस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। हम ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर डिप्लीट हुए हैं, डिप्लीट हुए हैं मतलब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव किए हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिप्लीशन रीजन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूज करने से होगा क्या, ये सारे पॉइंट्स थे यहाँ पर। अब जैसे मैंने समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो देखिए जैसे जैसे, जब ये पहला आयन था तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, जब और आयन्स आएंगे तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, जब और ऐड होंगे तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते 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 क्या होगा कि एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब डिफ्यूज़न करंट ड्रिफ्ट के बराबर होगा, और ये ड्रिफ्ट करंट क्या है, तो ड्रिफ्ट करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो मूव कर रहे हैं ना, इधर देखो जा रहा इलेक्ट्रॉन, इधर से होल्स इधर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एन टाइप में होल क्या होता है, माइनॉरिटी में होता है। तो ड्यू टू माइनॉरिटी जो करंट होगा वो एक समय के बाद मेजॉरिटी के बराबर हो जाएगा। अब माइनॉरिटी के करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो करंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट, खिसक रहा है, एंड डिफ्यूजन बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट होता है वो। तो आप लोगों को जो भी अभी मैंने समझाया यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, अब उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा गया, अब उन लाइंस को समझा रहा हूँ। देखिए होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स गिव्स डिफ्यूजन करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन टू पी, बोला गया जब एक इलेक्ट्रॉन एन से पी में जंप करेगा, इट लिव्स बिहाइंड एन आयोनाइज्ड डोनर ऑन एन साइड। जैसे यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा तो यहाँ पे एक आयोनाइज्ड डोनर रह गया ना, जो डोनर था वो तो क्या था, पेंटावेलेंट था, तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रह जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है, पहले तो न्यूट्रल था जब इलेक्ट्रॉन नहीं जंप किया था, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप कर गया बच्चों तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ बोला गया, दिस आयोनाइज्ड डोनर जिसको पॉजिटिव बोल रहे हैं इज़ इमोबाइल एज इट इज़ बॉन्डेड टू द सराउंडिंग एटम्स, क्योंकि ये सराउंडिंग सिलिकॉन्स है उनसे तो बॉन्डिंग बना के रखता है, तो ये इमोबाइल होता है मतलब ये मूव नहीं कर सकता है। एज द इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू टू डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, अ लेयर ऑफ पॉजिटिव
चार्ज पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन द एन साइड ऑफ द जंक्शन इज डेवलप्ड. जंक्शन के एन साइड पर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव लेयर. देखिए ये जंक्शन हो गया पूरा, तो उसके एन टाइप के पॉजिटिव में एक लेयर बन गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का. सिमिलरली व्हेन अ होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी टू एन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अब होल्स कहाँ जाएंगे, तो होल्स जाएंगे बच्चों P से N की तरफ. इट लीव्स बिहाइंड एन आयोनाइज्ड एक्सेप्टर जो कि नेगेटिव चार्ज है, विच इज इमोबाइल एज द होल्स कंटिन्यू टू डिफ्यूज अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन द P साइड ऑफ जंक्शन इज डेवलप्ड. ठीक है, दिस स्पेस चार्ज रीजन और आइदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लेशन लेयर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए इंपॉर्टेंट है ये, बोला गया दिस स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लेशन लेयर एज द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेकिंग पार्ट इन द इनिशियल मूवमेंट अक्रॉस द जंक्शन डिप्लेटेड द रीजन ऑफ इट्स फ्री स्पेस फ्री चार्ज. ठीक है, अब स्टेटमेंट को समझिए आप लोग. यहाँ पर ये जो पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना है ना, यहाँ पर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, इन्हीं को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन. ठीक है, इनके बीच का जो रीजन है ये वाला पूरा, जैसे यहाँ पर देखें आप, अगर बढ़ गया तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ से यहाँ तक का उसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डिफ्यूज हुए हैं. ठीक है, इधर मूव किए हैं, डिप्लेट हुए हैं. एज द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेकिंग पार्ट इन द इनिशियल मूवमेंट अक्रॉस द जंक्शन जंक्शन डिप्लीटेड द रीजन ऑफ इट्स फ्री चार्ज. ठीक है, तो जो फ्री चार्ज थे जैसे इस पे देखो, तो इस पे फ्री क्या था, होल्स. इस पे फ्री क्या था, होल्स थे. इधर में फ्री क्या है, इलेक्ट्रॉन्स थे जो डिप्लीट हुए हैं. ठीक है, तो उसी पूरे रीजन को जहाँ पे डिप्लीट हो रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये पूरा रीजन है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बोले हम डिप्लीशन के, यहाँ पर चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हुए हैं. ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन, द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ माइक्रोन. मतलब ये बहुत ही कम होता है, माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर का भी सिर्फ कितना होगा, 1/10 होगा. तो माइक्रोमीटर का 1/10 होने का मतलब हुआ कि जो डिप्लीशन रीजन है इसका जो विड्थ हो जाएगा ना, वो विड्थ किस ऑर्डर में होगा, 10^-7 मीटर के ऑर्डर में होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी एक चीज़ दिखाया हुआ है आपको, मैं बता दूँ कि पी टाइप से इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप से इधर डिफ्यूज़ करेगा. ठीक है, तो इस पूरे रीजन को देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बना या नेगेटिव आयंस बना, इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन. ठीक है, और इधर में होल ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट. अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे होल का देखेंगे ना, तो होल इधर डिफ्यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि होल्स जाएगा जैसे पी टाइप में क्या होता है मेजोरिटी में, होल्स, तो होल्स इधर जाएगा, तो यहाँ पर होल्स ड्रिफ्ट इधर करेगा, डिफ्यूज इधर करेगा, ड्रिफ्ट इधर करेगा. ओके, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस. तो देखिए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज स्पेस रीजन ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. यहाँ बोल रहा है कि जब पॉजिटिव, ड्यू टू पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन पी साइड, मतलब ये जो आयंस फॉर्मेशन हो रहे हैं, इन आयंस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट होगा. तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पर जब आयंस का फॉर्मेशन होगा ना बच्चों, तो आयंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ना, ये पूरा मतलब माइनॉरिटी को ये क्या करेगा, सपोर्ट करने लगेगा, तो इधर से होल्स को भेजेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा ना. तो ड्यू टू दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन द पी साइड of the junction moves to n side and holes on the n side of the junction moves to p side. Okay, the motion of the charge carriers due to electric field is called drift. ठीक है, मतलब जो minority charge carriers की वजह से current मिलेगा उसको drift बोलेंगे. ये पूरा आपको explain किया था मैंने, which is opposite to the direction of diffusion. और opposite होने की वजह से एक ऐसा moment आता है जब दोनों equal हो जाता है, क्योंकि initially diffusion current बहुत large होता है, क्योंकि पहले देखो जब डिफ्यूज़न होगा तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों तभी जा करके क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट भी होगा. ठीक है,
तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्रिफ्ट नहीं होगा और बिना डिफ्यूजन के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूज द स्पेस चार्ज रीजन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सटेंड, दस ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड हैंस ड्रिफ्ट करेंट, द दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डिफ्यूजन करेंट इक्वल्स द ड्रिफ्ट करेंट, दस अ पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड, दस अ पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड एंड इन अ पी एन जंक्शन अंडर द इक्विलिब्रियम देर इज नो नेट करेंट। मतलब यहाँ पर आपको नेट करेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मतलब आई नेट विल बी जीरो, क्योंकि जितना ड्रिफ्ट हो गया उतना ही डिफ्यूजन हो गया, तो फिर से क्या करंट मिला, जीरो, मतलब फिर से ये अपने काम का जंक्शन नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पर ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट इक्विलिब्रियम अंडर द इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द पी रीजन कॉजेज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन ऑफ द टू रीजन्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जानते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना, तो इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ज़्यादा है, इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज का मतलब होगा कि इधर में जो भी पोटेंशियल था उससे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा अपने को ऐसे, और है ना, और फिर यहाँ पर क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में, तो इसका मतलब इधर जो पोटेंशियल होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, इधर जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, सिर्फ पोटेंशियल बीच में जो डिप्लेशन लेयर है वहीं पर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। ओके, तो देखिए यहाँ पर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द पी रीजन कॉजेज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द टू जंक्शन ऑफ द रीजन्स, द पोलैरिटी ऑफ दिस पोटेंशियल इज सच एज टू अपोज फर्दर फ्लो ऑफ कैरियर्स सो दैट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। इस तरीके से होगा इसका पोलैरिटी, जिससे कि मेजॉरिटी को अपोज करे और माइनॉरिटी को सपोर्ट करे, ठीक है, जिससे कि नेट आपको इक्विलिब्रियम में नेट करंट क्या मिले, जीरो मिले। तो ये कंप्लीट यहाँ पर मतलब पी एन जंक्शन का एक्सप्लेनेशन था। अब देखिए द एन मटेरियल इज दस पॉजिटिव रिलेटिव टू पी मटेरियल सिंस द पोटेंशियल टेंड्स टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू इन टू पी रीजन, इट इज ऑफ्टन कॉल्ड अ पोटेंशियल बैरियर। इसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, किसको, तो ये जो पोटेंशियल मिल रहा है ना उसको, ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये काम कर रहा है कि मेजोरिटी को अपोज कर रहा है, माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मेजोरिटी को मतलब सपोर्ट, मेजोरिटी को अपोज और माइनॉरिटी को सपोर्ट, इसी को चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पर एक एग्जांपल है, कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी सेमीकंडक्टर फिजिकली ज्वाइन टू अनदर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर टू गिव अ पी एन जंक्शन, नो, इसका आंसर होगा नो। क्यों होगा, देखिए एनी स्लैब हाउ सो एवर फ्लैट विल हैव रफनेस सच लार्जर दैन द इंटर एटोमिक क्रिस्टल स्पेसिंग 2 to 3 एंगस्ट्रॉम एंड हैंस कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट एट द एटोमिक लेवल विल नॉट बी पॉसिबल, द जंक्शन विल बिहेव एज अ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फॉलोइंग। इसीलिए बीच में वेफर का यूज़ करते हैं, जैसे देखते हो ना ओरियो के जो बिस्किट्स होते हैं या जो क्रीम बिस्किट होता है, बीच में आप देखे होंगे कि बिस्किट के ऊपर कोई क्रीम लगा होता है फिर उसके ऊपर दूसरा एक बिस्किट चिपका दिया जाता है, तो ये जो चिपकाने का प्रोसेस है ना, जो बीच में क्रीम लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसी को बोलते हैं, मतलब उसी टाइप का अगर हम एक मेटेलिक क्रीम लगाते हैं मान लो पी टाइप के सरफेस पे और उसमें एन टाइप जोड़ दें तो उसी को बोलते हैं वेफर। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, वेफर के थ्रू जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में बताएंगे, ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी चल रहा है, तो ज़रूर इसको आप अच्छे से वॉच कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स जिनको एनसीईआरटी समझने में दिक्कत होती है उनको हेल्प चाहिए तो ज़रूर आप रिकमेंड करें बच्चों, ठीक है, थैंक यू।